सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग चैनल। तो आप लोगों के बीच में फिर लेके आ गया हूँ मैं दादर चौपाटी मीन्स शिवाजी पार्क। तो कंटिन्यू ब्लॉग्स में बने रहिए, आप लोग यूं ही इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को फनी फनी देखने को मिलती रहेंगे। फिलहाल ये लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि उनके साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिलहाल कंटिन्यू ब्लॉग्स में बने रहिए, भाई को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैम आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मेरा आंसर देना चाहोगी ना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स सभी बाकी है। अगर आपके पास में तो डाल के हिलाऊ, वरना इंग्लिश है वो क्या चीज है? गलत मीनिंग नहीं है, प्यारी समझ में तो डाल के वरना उंगली से काम चला लोगी, उंगली से गलत नहीं। गलत तो नहीं है ना? नहीं एकदम राइट, मैं आपको बता के जाऊंगा। देख मेरी आंखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है। अगर आप लोग बताएंगे तो भी, नहीं तो मैं बता ही जाऊंगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सामान है क्या घर में यूज होता है या आप पर डे यूज करती हैं? पढ़ने को यूज करते हैं, पर डे यूज करती हैं आप? पर डे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या बोला इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वैसे आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र में। तो बताने के लिए पर्सनली यूज करते हैं पर डे? मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा डोली उठाऊंगा। तो उससे ही लाते हैं वरना उंगली से ही लाते हैं। दिस इज राइट आंसर। आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, लड़कियां अपने सारे कपड़े कब उतारते? क्या बोला तूने? नहाते नहीं कपड़े नहाते वक्त नहीं उतारते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे? आराम से दीदी, कोई बात दिक्कत नहीं, प्यार से दीदी। चेंज करते वक्त? चेंज करते वक्त एक साथ में नहीं। तो ये 100 rupees आपके लिए, जो आंसर देगा कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे आंगन बंद कर दी यार, मेरे पास है मैं बोलूं? नो अरे कौन बोल रहा है ये बदतमीज भाई, बाकी बाजी नहीं मार सकता। नो एक बात तो सही, माझा नॉलेज प्रमाणे तरी से भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊं। कुछ भी नहाते वक्त बुरे कपड़े थोड़े कोई उतारता है यार, मुझे तो नहीं लगता। क्या मालूम? नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम आपको? थोड़ा तो माइंड करिए, एक बार और कोशिश करिए जानने की कि मैं कपड़ा कब उतारती। नहीं जानना चाहोगी आप? ओके, आपके सारे कपड़े जब सूख जाते हैं तो उतारती है क्या जाती है? दिस इज राइट आंसर। तुम्हें पाना है मैंने सोचे। हेलो, आपका नाम? आप महाराष्ट्र?
मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आंसर देना चाहेंगे? क्वेश्चन मेरा ये है, इधर आइए ना, सामने से दिखेगा। क्वेश्चन मेरा ये है, मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, ठीक है, वो कौन है जो अंडा मुर्गी देती है और दूध गाय देती है, वो कौन है जो अंडा और दूध दोनों देता है? माइंड में आया नहीं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? आपको नहीं पता ना, जानना चाहेंगे? आप मुंबई में रहते हैं तो जाहिर सी बात गाय तो करते हुए ही मुझे दूध तो बाहर से ही लेके आना पड़ता है। योर राइट, कहाँ चला गया? इश्क का दरिया तो सागर से भी है गहरा। आप दोनों लोग से मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोग बताइए लगातार दो दिन बारिश क्यों नहीं हो सकती? लगातार बारिश दो दिन क्यों नहीं हो सकती? उसके ऊपर डिपेंड है ना, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। आप लोग देख रहे हैं, भाई लोग तो नहीं दे पाए लेकिन उधर से आवाज आई है जो कि बहुत अच्छा आंसर दिया है, जो कि बीच में रात आ जाती है इसलिए वो दिन नहीं हो पाती है, फिलहाल यही आंसर है। तो गाइस फिलहाल इन लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, जो कि आंसर अगर देंगे सही आंसर रहेगा तो 100 रुपीज इन लोगों का हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताइए लड़कियां अपने सारे कपड़े कब उतारती है? कौन बोला? वाओ, गुड। तो उससे प्यार है। वो लोग तो फेल हो गए हैं लेकिन सर हमारे जो कि क्वेश्चन का आंसर दिया। बाप के कमारिया लूटे तो लहरी। हमारे अपने से बनने के बाद हमारे तरफ से 100 रुपए का गिफ्ट। अरे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट। आप लोगों से ये एक लड़का जाना न जाना ये दिल तेरा। रात को रात के टाइम में क्या लेना पसंद करते दोनों? दूध और कुछ मैं कुछ भी प्यार वाली नींद। वाओ नाइस गुड। एक लड़का एक लड़की रात के टाइम में सिर्फ नींद ही लेना पसंद करते हैं, अच्छी नींद आनी चाहिए। जी बोलिए ना, मतलब आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं? करिए ना। कौन सी चीज है जो आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी सुहागरात के दिन अपने पति को देती है? नॉर्मल सी बात है यार, सुहागरात के दिन पत्नी अपने पति को देती है तो दूध ही हो सकता है। एक आंसर दिया मैंने, बोलिए सर आप भी बोलिए। कौन सा चीज है मीन्स लड़का लड़की को दे सकता है लड़के को नहीं दे सकती? इस पे लड़का लड़की को दे सकता है लेकिन लड़की लड़के को नहीं दे सकता है। भी हो सकता है
मीन्स थोड़ी मदद करने की कोशिश करो। वो यूज में क्या आता है मीन्स आपका जन्म से ही तय हो जाएगा और लास्ट तक एंड चलेगा। ब्रो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आई एम वेरी सॉरी मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। आपने क्या बोला लड़का लड़की को दे सकता है लेकिन लड़का लड़की लड़के को नहीं दे सकता। आपने क्वेश्चन गलत किया, आपने क्वेश्चन गलत किया, आपने क्वेश्चन गलत किया। इस बारे में मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। ये क्वेश्चन ऐसा है, एक लड़की, ये क्वेश्चन ऐसा है, एक लड़की अपने पति का छोटा हो या बड़ा, एक लड़की अपने पति का छोटा हो या बड़ा लेना पसंद करती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है मीन्स उसका सरनेम, लड़की से चाहे बड़ा हो उसका सरनेम पति का या चाहे छोटा हो वो लेना पसंद करेगी, वो लेना ही पड़ेगा उसको। दिस इज लाइफ कॉन्सेप्ट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और गर्दा उड़ाइए, गर्दा गर्दा गर्दा। आपका नाम सिद्धार्थ? सिद्धार्थ जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई से। मुंबई सर। आपका नाम? अभिषेक जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव से आए। गांव से आए, वाह नाइस। बक्सी ताला? अच्छा वासी से आए। ओके महाराष्ट्र में? नहीं मैं तो साउथ इंडियन हूँ, हैदराबाद से हूँ लेकिन प्रॉपर मुंबई में। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन आंसर देना चाहेंगे? आप क्वेश्चन तो पूछो फिर मत सोचेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, अगर आपके पास में है, अगर आपके पास में है तो डाल के हिलाओगे वरना उंगली से हिलाओगे, कुछ भी आंसर क्या हुआ? तो पता रहेगा ये सब। आप गलत आंसर क्वेश्चन नहीं किया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि अगर आप भाई ने ब्रश का नाम लिया जो कि वही है, ब्रश ही है क्योंकि अगर वो रहता है तो ही डाल के हिलाते वरना उंगली से करते हैं। तो भाई आपका चैनल का नाम? राजदीप ब्लॉग्स। राजदीप ब्लॉग्स, सब्सक्राइब करो भाई को, लाइक कमेंट शेयर सब कर दो। थैंक यू सर। आपका नाम? अंजलि। आपका नाम? करीना। मेरा कैटरीना। आप लोगों से क्वेश्चन मेरा है, आंसर देना चाहोगे ना? ओके, अगर आपने क्वेश्चन आंसर सही दिया तो मीन्स 100 से आपके। अरे रुकना, ये रुकना रुकना ब्लॉक है, रुकना उसका ब्लॉक बंद कर। तो अगर आपने सही आंसर दिया तो मीन्स ये 100 रुपए आपके लिए गिफ्ट है, दिवाली बोनस समझ। तो क्वेश्चन थोड़ा मीन्स डबल मीनिंग में है, आप ध्यान देना सवाल, मीन्स ये जवाब देने के लिए पहले सोचना। लड़कियां अपने सारे कपड़े सब उतारती हैं, वाओ दे 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 100 रुपए ले 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 ले, वाओ 100 रुपए ले, 100 रुपए ले इधर दे। तो गाइस कपड़ा सूखने के बाद ही भाई यार क्वेश्चन करते ही ओह माय गॉड बोल दी दिया। तो ये 100 रुपए भाई इनके हुए जो कि इन्होंने आंसर, ये भाई पहला मेरे को बोला मेरे को देना चाहिए तू, सॉरी ये चिट्ठी क्या गया। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यार। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फैमिली में पहुंच चुका हूं दादर रेलवे स्टेशन, और यार यहां पे क्राउड इतना ज़्यादा है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता हूं आप लोगों को, इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। और आप लोगों को पता है कि आज नहीं मीन्स रात पार करने के बाद कल वापस से दिवाली का दिन है जो कि आप लोगों को मतलब दिल से
भाई हैप्पी दिवाली, जो कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना हैप्पी दिवाली सर जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो कल इतना अच्छा मीन्स हम लोगों के लिए मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल दिन है ना, स्पेशल दिन होने वाला है ना, तो कल का जो हम लोगों का ब्लॉग आने वाला है वो जो रहेगा मरीन ड्राइव का रहेगा। और फिलहाल आज का इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।